हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हम पार्ट वन इस चैप्टर का ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और बेसिक जो बाइफर्गेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्लास अपैरेटस, टेस्ट ट्यूब, बीकर्स, फ्लास्क, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपैरेटस यूज्ड इन केमिस्ट्री, लाइक उसका थर्ड पार्ट अदर एसेसरी अपैरेटस। लाइक आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक अपैरेटस सेटअप किया गया है गैस को कलेक्ट करने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे ओके, तो यहाँ पे क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ किया गया है, डिस्टिल फनल यूज़ किए गए हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जो कि क्या है, डिलीवरी ट्यूब है। तो ये और मतलब हम लोगों ने बेसिक अपैरेटस पढ़े थे केमिस्ट्री के, उसके अलावा क्या है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं गैस के अलग करने का या डिस्टिलेशन का या किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट, उसमें डिफरेंट सेटअप्स किए जाते हैं, तो उन सेटअप्स के लिए कुछ चीज़ें और रिक्वायर्ड होती हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा स्पिरिट लैम्प और बर्नसन बर्नर, राइट। स्पिरिट लैम्प क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास पॉट फिल्ड विद स्पिरिट एंड अ नेक थ्रू विच पासिस अ कॉटन विक विच सोक अप द स्पिरिट। जैसे हम लोगों की घर में हम लोग कुप्पियाँ बनाते हैं जिसमें ऑयल करके उसको लैम्प बनाते हैं, उसी तरह से ये स्पिरिट फिल होता है इन लैम्प्स में, ग्लास की होती हैं ये। पहले जब मीन्स बहुत पहले टाइम पे इस तरह के बर्नर्स यूज़ किए जाते थे, राइट। मींस लैम्प यूज़ किए जाते थे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जब किसी भी रिएक्टेंट को हीट करना होता था, किसी केमिकल को, किसी कंपाउंड को बॉईल करना होता था, तो उसके लिए स्पिरिट लैम्प यूज़ होते थे, राइट। लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एन आउटडेटेड मैथड यूज फॉर हीटिंग पर्पस, राइट। फिर सेकेंड हमारा है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ बर्नर ट्यूब। आप यहाँ पिक्चर जो ये बनी हुई है, ये बंसन बर्नर की बनी हुई है, एक बर्नर ट्यूब है और एयर रेगुलेटर, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें ये गोल्डन कलर की नॉब दिख रही है जिससे पाइप कनेक्टेड है, ये क्या है, एयर रेगुलेटर है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्या करते हैं कि इसको ऑन करते हैं तो इसमें से गैस पास होती है और उसको मैच स्टिक से बंद करा जाता है, तो ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर से गैस जो आग है वो जलने लगती है। ये हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एयर रेगुलेटर जो बने हुए हैं, जो ये होल्स हैं, ये क्या हैं, एयर रेगुलेटर्स हैं। इसमें जो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ होल्स नज़र आ रहे हैं, राइट। तो ये होल्स क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं एयर रेगुलेटर, जो जैसे हम लोगों के घर में भी जो गैस के चूल्हे होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर होल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एयर रेगुलेटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं फ्लेम को, राइट। बेस किससे कनेक्टेड होता है, इसका पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू गैस उसमें आती है, राइट। फिर हमारा सेकेंड अपैरेटस है डिस्टिल फनल और डिलीवरी ट्यूब। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, पहला वाला जो ये बना हुआ है ये हमारा डिस्टिल फनल है और सेकेंड जो है ये डिलीवरी ट्यूब है। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डिस्टिल फनल क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद अ ब्रॉड इनलेट एट द टॉप। ब्रॉड इनलेट का मतलब क्या है कि ऊपरी ऊपर के हिस्से में एक काफ़ी चौड़ा इनलेट होता है, इनलेट मतलब जिसके थ्रू गैस आती है, तो ये आप मोटा सा चौड़ा सा देख सकते हो तो ये इनलेट है, राइट। फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इट अलाउज़ द एंट्री ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क। मतलब इसको किस में यूज़ किया जाता है, राउंड बॉटम फ्लास्क में फिट किया जाता है और उसमें किसी भी रिएक्टेंट की जब एंट्री होती है तो ये इसी के थ्रू से पास होता है, इसी के थ्रू पास होता है, राइट।
its lower end dip below the solution in the flask, otherwise the gas formed may escape. और इसको इस तरह से फिट किया जाता है, मतलब पूरे राउंड बॉटम फ्लास्क में ये जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा फिट कर देते हैं कि ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो केमिकल राउंड बॉटम फ्लास्क में रखा होता है उसमें पूरा डिप करता है ताकि गैस कहीं से इस्केप ना करे, राइट. उसके बाद डिलीवरी ट्यूब क्या है, एक थिन हॉलो ग्लास ट्यूब ऑफ वेरियस शेप. जैसे ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये क्या है, ये डिलीवरी ट्यूब है, तो ये ग्लास का पतला सा बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते अवेलेबल होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये गैस को एक अपैरेटस से दूसरे अपैरेटस में पास करते हैं और या एक अपैरेटस से दूसरे अपैरेटस को कनेक्ट करते हैं, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है वो. ऑल राइट. उसके बाद बी हाइव शेल क्या होती हैं, ये क्ले वेसल्स प्रोवाइडेड विथ टू आउटलेट्स ऑन द साइड एंड द टॉप. मतलब ये क्ले की वेसल बनी हुई होती है जिसमें आप देख सकते हैं दो आउटलेट प्रेजेंट है, एक ये साइड में और एक नीचे पेंदे में उसके. अब इसका फंक्शन क्या है, फॉर कलेक्टिंग द गैसेस बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर द बी हाइव शेल्फ इज केप्ट इन अ ट्रॉ ऑफ वाटर. ट्रॉ मतलब एक तसला जैसा होता है पानी का और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ये ग्लास स्ट्रक्चर बना है ये है टब जैसा जिसमें पानी है और उसमें ये ब्राउन कलर का जो है ये क्ले का बना होता है बी हाइव शेल, इसको रखा जाता है राइट, जिसमें गैस को कलेक्ट किया जाता है. सो स्टूडेंट्स आई होप दैट ये तीनों अपैरेटस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. अब कुछ और अपैरेटस होते हैं जैसे गैस जार. अब ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये क्या है, गैस जार है. जो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर का, ये क्या है, गैस जार है. इसमें गैस कलेक्ट होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में जिसमें गैस कलेक्ट करी जाती है. तो ये शीशे का एक लंबा सा जार होता है जिसका जो बेस होता है वो नीचे जो बी हाइव होता है उससे कनेक्टेड होता है और ऊपर का पार्ट क्लोज होता है लिड से. फंक्शन क्या है, डिफरेंट उसमें यूज़ किए जाते हैं, फॉर कलेक्टिंग द गैसेस बाय डिफरेंट मेथड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या है, द गैस जार इज फिल्ड विद द वाटर एंड इन्वर्टेड ओवर द बी हाइव शेल्फ सो दैट द वाटर इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड एंड द गैस इज कलेक्टेड अपवर्ड. मतलब क्या किया जाता है कि उसमें पानी भर के उसको उस पलट दिया जाता है बी हाइव के ऊपर ताकि पानी नीचे डिस्प्लेस हो जाए और गैस जो है वो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाए. इसी तरह से डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में यूज़ किए जाते हैं एंड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में भी यूज़ किए जाते हैं गैस सिलेंडर्स. फिर फनल क्या होते हैं, ग्लास के भी अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के भी अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं. इसका फंक्शन क्या है कि किसी भी मटेरियल को पोर करने के लिए फनल यूज़ किए जाते हैं. कॉनिकल शेप होते हैं और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में इसमें फिल्टर पेपर एक आता है, टिश्यू पेपर से थोड़ा मोटा होता है फिल्टर पेपर, जो आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि फ़िल्टर पेपर्स क्या होते हैं राइट. उसके बाद मीजरिंग अपैरेटस. मीजरिंग अपैरेटस आपको पता है सबसे पहला जो बना है ये पिपेट है, फिर ब्यूरेट है, फिर मीजरिंग सिलेंडर है. पिपेट में क्या होता है कि जब टाइट्रेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें 25 ml इस पे लिखा हुआ है, तो उसमें केमिकल जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें पिपेट को डाल के सक किया जाता है, एक मार्क बना होता है वहाँ तक का ही उसमें केमिकल भरते हैं और फिर वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है. ब्यूरेट में क्या होता है, मीजरिंग लिक्विड बाय इसमें लिक्विड को मीज़र किया जाता है. टाइट्रेशन के प्रोसेस में पिपेट और ब्यूरेट दोनों यूज़ किए जाते हैं. और मीजरिंग सिलेंडर आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, केमिकल्स को नापने के लिए. कहीं पे आपको मानिए 25 cm केमिकल कोई है उसको डालना है तो आप उसको मीजरिंग सिलेंडर से मीज़र करिए और ईज़िली जहाँ पर आपको यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो केमिस्ट्री के अपैरेटस थे वो हमारे डिस्कस कम्प्लीटली हो चुके हैं. पहली वीडियो में कुछ ग्लास अपैरेटस और बेसिक अपैरेटस और होल्डर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके आगे के जो थे वो आज इस वीडियो में डिस्कस हो गए. अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड अदर यूजेस. मतलब केमिस्ट्री की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है एग्रीकल्चर में और प्रोडक्ट्स में और दूसरे यूजेस में. तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर में देखेंगे. एग्रीकल्चर में पहला जो पॉइंट है वो आपका फर्टिलाइज़र है. अ सब्सटेंस
टू इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर ग्रोथ। आप सबको पता है कि फर्टिलाइजर्स की क्यों ज़रूरत होती है, पेड़ों की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें, उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो वो फर्टिलाइजर्स किसके बने होते हैं, केमिकल्स के बने होते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, ये वाइडली यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, मतलब बहुत मोस्टली यूज़ किया जाता है, एक अच्छी तादाद में यूज़ किया जाता है। यूरिया, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, नॉन एक्सप्लोजिव एंड सॉलिड इन नेचर। ये कुछ नाम लिखे हुए हैं केमिकल्स के, केमिकल्स कंपाउंड के, जो यूज़ किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स, राइट। अबाउट 90% ऑफ फर्टिलाइजर्स आर इन द सॉलिड फॉर्म, मतलब जो 90% फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसमें अमोनिया या अमोनिया नाइट्रेट ही होता है, जो हम ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं उसमें भी केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट है। केमिकल्स एडेड टू द सॉइल टू किल द पेस्ट्स, दे इंक्लूड हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, टर्मिसाइड। अब सबको पता है कि प्लांट्स में, जैसे क्रॉप्स में अगर पेस्ट आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड्स ऐड किए जाते हैं। तो वो सब क्या है, हर्बिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, टर्मिसाइड्स होते हैं। तो ये केमिकल्स से ही तो बनते हैं, ये क्या करते हैं, पेड़ों को बचाते हैं, फफूंद ना लगे उसमें, कीड़े ना लगे उसमें, वीड्स ना लगे। तो अबाउट 30% ऑफ क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड बाई एग्रीकल्चर पेस्ट। तो ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब ना हो। हर्बिसाइड क्या करते हैं, किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट। जैसे पेड़ों में होता है ना कि जंगली पेड़ निकल आते हैं, तो उन जंगली पेड़ों को रोकने के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स, हर्बिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं और इंसेक्टिसाइड यूज़ करे जाते हैं इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि उससे हमारे पेड़ ख़राब ना हो। तो इसमें केमिस्ट्री की एक अच्छी, मतलब इम्पॉर्टेंस है कि फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स बनते हैं वो केमिकल यूज़ होते हैं उसमें, और उससे क्या होते हैं, हम अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और फर्टिलाइज़र से हम उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको ग्रोथ मिलती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर आ जाइए सेकंड जो हमारा है कि केमिस्ट्री का यूज़ प्रोडक्ट्स में कैसे हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले फूड, अब जैसे रिफाइंड ऑयल हैं, बटर हैं, चीज़ हैं, ये किस तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसेसिंग होती है उनकी, और उसके बाद ये फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसमें भी केमिस्ट्री की एक अच्छी खासी इम्पॉर्टेंस है, राइट। कंस्ट्रक्शन, मॉर्टर, सीमेंट, ग्लास एक्सेट्रा आर वेरियस केमिकल कंपाउंड। अब जो ये सब ग्लास हैं, सीमेंट्स हैं और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये किस तरह से बने हैं, ये केमिकल कंपाउंड से ही मिल करके बनते हैं। क्लोथिंग की अगर बात करें, नेचुरल फैब्रिक सच एज सिल्क आर मेड थ्रू द केमिकल रिएक्शन। जो कपड़े बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन अंडरगो, मतलब उसमें होती है, फिर उसके बाद वो कपड़े बनते हैं। हाउस होल्ड कुकिंग गैस विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फूड प्रिजर्वेटिव, स्पेसिफिक यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑल इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री। मतलब हम घर में भी जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर की गैस हो या बर्तन हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, ये सब क्या हैं, ये सारी एसेसरीज में केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। डेली यूसेज में जैसे पेंट है, डाइज है, परफ्यूम्स हैं, ये सब कैसे बन रहे हैं, सब कुछ केमिस्ट्री है। इन सब में क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती है, फिर वो उनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इंडस्ट्रियल में मेटल्स, एलॉय, ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स, मेटालिक स्ट्रक्चर्स, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। पेट्रोल है, पेट्रोल को ऑब्टेन करना, जो पेट्रोलियम जेली होती है, केरोसिन है, डीजल ऑयल है, ये सब कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं, ये सब ऑब्टेन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। ऑलराइट, जनरल यूजेस की अगर बात करी जाए तो जनरल यूजेस में फूड एंड केमिस्ट्री, कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री, क्लोथिंग एंड केमिस्ट्री, केमिकल्स एज मेडिसिंस, केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज, ऑल दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने आज में इतना समझ लिया कि बेसिक कुछ अपैरेटस के बारे में डिस्कस करा, उसके बाद एग्रीकल्चर में
प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं और जनरल यूजेस। आम तौर पे ये समझ लीजिए कि हर चीज़ जो बन रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं, उसमें डिफरेंट केमिकल्स ऐड करे जाते हैं। जैसे अचार है, जैम है, इन सब में भी केमिकल्स ऐड करे जाते हैं। तो हर चीज़ क्या है, हर चीज़ केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है। कपड़ों को जैसे रंगा जाता है, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स हैं, मेकअप की चीज़ें हैं, इन सब में क्या है, इन सब में केमिकल्स मिले होते हैं। और ये सब कैसे बनते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो इन सब में अल्टीमेटली क्या है कि केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर चीज़ में। आई होप चिल्ड्रन कि इतनी जितना कंटेंट मैंने आज आपको पढ़ाया है, जनरल अपैरेटस से लेके जो कि कलेक्टिंग गैस में यूज़ होते हैं, स्पिरिट लैम्प, डिस्टिल फनल, बीहाइव शेल, गैस जार फनल, मेजरिंग अपैरेटस, उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ योर होमवर्क इज़ टू रीड आउट द चैप्टर टिल हेयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कंटेंट। और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे एवरी वन।